Hey guys, welcome back to my channel, The Makeup Hub. So in this video, मैं आप लोगों से कुछ shopping, थोड़ा सा little bit tiny shopping मैंने किया था, जो पूजा shopping और दिवाली shopping आप लोग कह सकते हैं. I think पूजा भी चली गई और आज दीपावली भी जा रहा है. दीपावली के दिन ही मैं इसको shoot कर रही हूँ, just because after so long time मैं ये video बना रही हूँ. बिल्कुल time नहीं मिल रहा है मुझे और आज मुझे ये video shoot करने में काफी अच्छा लग रहा है. तो अगेन मैंने यहाँ ज्वेलरी हॉल लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो मैंने शॉपिंग की है. इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव, ये काफी चीप हॉल होगा आप लोगों के लिए. और इसमें जो सारे प्रोडक्ट्स मैंने, मतलब जो सारे ज्वेलरी ली है मैंने, वो भी काफी चीप है. मतलब क्वालिटी वाइज इट्स गुड, लुक लाइक लुक में भी काफी अच्छा है, बट सारा मैंने काफी अफोर्डेबल है. मेरी दीपावली और पूजा शॉपिंग मैंने ये की थी. तो अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हो, तो आपको करना है मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना है, ताकि आप मेरे आने वाले कोई भी वीडियो से मिस ना करें और आने वाले मेरे हर वीडियो से नोटिफाइड रहिए. बहुत जरूरी है. एंड गाइस प्लीज 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 सपोर्ट मी कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा अच्छा वीडियो ला पाऊँ. तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ. तो मैंने अगेन, आप लोग देख ही रहे कि मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है. एक्चुअली बहुत सारी की है, मैंने सोचा पार्ट पार्ट वाइज दिखाती हूँ. तो स्टार्ट ज्वेलरी शॉपिंग से करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट इस बैंगल्स की बात करती हूँ. इट वॉज अ बहुत क्यूट टाइप का मुझे ये बैंगल लगा था. ये कांच का है. यस गाइस, चूड़ी टाइप जैसे कहते हो आप, इसे एक हाथ में पहन सकते हो. काफी ब्यूटीफुल आपको लुक देगा. आप जैसे कॉलेज गोइंग हो, ऑफिस गोइंग हो, स्कूल या फिर ट्यूशन गोइंग, जो भी स्टाइल, इसमें कोई हाबी झाबी है नहीं और कुछ ये भी नहीं. आप इसको एक हाथ में सिंपल पहन करके और एक हाथ में वॉच पहन सकते हो. मुझे तो ये काफी अच्छा लगता है, मैं मैक्सिमम टाइम इसको पहन ले रही हूँ. अच्छा लग रहा है ना मुझे भी. एंड देन मैंने यहाँ लिया है एक मिरर. एक्चुअली मिरर हम गर्ल्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है आपको पता है. मुझे काफी क्यूट लगा था ये मिरर और एक्चुअली काफी काम लगता है हम लोगों के लिए. हम लोग के बैग में मिरर होना चाहिए. मुझे इस टाइप का रिसीव हुआ था ये मिरर और मुझे काफी पसंद आया, तो मैंने ये मिरर भी लिया था. तो मुझे लगा आप लोगों को दिखा दूँ. आप लोग भी अपने बैग में मिरर को, तो हर गर्ल अपने बैग में रखती है. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारे बैग में. तो अगर आप लोग भी इस टाइप का मिरर चाहो तो ले सकते हो. और अब मैं आप लोगों से ये हुक इयरिंग, एक्चुअली काफी ट्रेंड में है ये हुक इयरिंग, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूँ. तो मैंने ज्यादा बड़े साइज की नहीं ली, इट वॉज नॉट लॉन्ग एंड नॉट सो स्मॉल, मीडियम साइज का मैंने यहाँ हुक इयरिंग खरीदा है, मतलब लिया है. थोड़ा सिल्वर पॉलिशिंग वाला लिया है मैंने, गोल्ड वाला हुक इयरिंग मुझे नहीं पसंद, गोल्ड प्लेटेड वाला. मैंने यहाँ एक हुक इयरिंग लिया है. देन मैंने यहाँ एक और इयरिंग प्राइस मैं आप लोगों को इयरिंग का आई थिंक स्क्रीन पे दे देती हूँ, या फिर मैं मेंशन कर देती हूँ स्क्रीन पे. ये ओनली 50 रुपीज का है. एंड दिस ऑक्सीडाइज इयरिंग, अब काफी ब्यूटीफुल इसमें वर्क किया हुआ है. आप इसको ध्यान से देखेंगे तो काफी बारीकी का इसमें काम है और ये काफी खूबसूरत लगा है मुझे. ये भी ओनली 60 रुपीज का है. और मेरे यहाँ दूसरी इयरिंग अगेन ऑक्सीडाइज ही है, दिस वन. ये सब जो इयरिंग होता है कि इसको हम लोग हर ड्रेस में पहन सकते हैं. ये भी 60 रुपीज, मैंने ये दोनों साथ में इसका पेयर लिया था तो मुझे काफी अफोर्डेबल लगा 60 में. ये आप लोग भी चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो इस टाइप, इस काइंड ऑफ इयरिंग, और ये काफी ब्यूटीफुल है, आप लोग देख ही सकते हैं. देन मैंने यहाँ फिंगर रिंग से किया. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ ये फिंगर रिंग लिया है जो मैं आपको पहन के दिखाना चाहती हूँ. एडी का फिंगर रिंग है और ये काफी डिसेंट एंड ट्रेंडी लुक दे रहा है. आप अगेन पार्टी, अभी तो दीपावली पूजा वेडिंग आपको सब चला गया, अभी वेडिंग का सीजन है, आप देख सकते हैं. ये देखिए, इट वॉज रियली ब्यूटिफुल फिंगर रिंग. और सबसे पहली बात ये ना कि मेरी फिंगर पतली होने की वजह से मुझे जल्दी ये फिंगर रिंग ली. अब मेरी उंगली छोटी होती ना, मेरे हाथ में जल्दी कुछ आता ही नहीं है. देखो मुझे फिंगर रिंग पे तो मेरा जो इंगेज रिंग हो, जो इंगेज फिंगर होती है उस पर तो मेरा जाता ही नहीं है फिंगर. ये हो गया. एक मैंने ऑक्सीडाइज पे लिया था, क्यूट है ना. और इसमें मुझे ये छोटा बड़ा ना मैनेजेबल सिस्टम था, आप अपने फिंगर के हिसाब से कर सकते हो. एक मैंने यहाँ एक ऐसे टाइप का मुझे काफी क्यूट लग रहा था, मैंने ले लिया, बट ये मेरे फिंगर पे नहीं आ रहा है तो मुझे मेरी भाभी को देना पड़ेगा ये भी. इट वॉज रियली ब्यूटिफुल फिंगर रिंग.
ये सब 100 रुपीस का है। इसकी क्वालिटी वाइज ये इट वाज 150, इट वाज 100 एंड इट वाज आल्सो 100। आप सोचते हो कि 50 रुपीस में मिल जाता है, लेकिन क्वालिटी वाइज ये खराब नहीं होगी। और 40-50 का सामान लेके पैसा वेस्ट, क्योंकि तो कोई फायदा नहीं होता। तो 1 किलो जो आप उसको ज्यादातर पहन सकते हो। उसको अगेन मैंने पानी में भी कितना बार, इसमें बारिश तो इसमें कुछ खराब नहीं हुआ। जब मैंने यहाँ एक और इयर रिंग लिया है, इट्स ऑल्सो हुक टाइप का इयर रिंग है, पर ये काफी ब्यूटीफुल एंड एकदम गॉर्जियस सा ग्लैमरस डैजलर लुक देता है। देखिए आप लोग, इट्स रियली प्रिटी। देन मैंने यहाँ डेली वेयर के लिए एक्चुअली कुछ इयर रिंग्स खरीदा है, जो स्कूल कॉलेज जाते हैं उन लोगों के लिए। ये काफी, जैसे ये एक पीस इट्स वर्थ 40 रुपीज, ये भी 40 रुपीज का है। ये सब अभी काफी ट्रेंड में है, ये सबसे चीप है, ये सिर्फ 20 रुपीज का मैंने लिया था। इट वॉज द मल्टी कलर इयरिंग, आप इसको हर ड्रेस में पहन सकते हो गाइस। सॉरी कहाँ गया इसका हुक, ये कुछ ऐसे लुक देगा आपको, ब्यूटीफुल ना। देन मैंने एक अगेन एक ऑक्सीडाइज इयरिंग लिया। इस बार मैंने इयरिंग्स ज्यादा ले ली। ये 60 रुपीज का है सेम, काफी ब्यूटीफुल लगी, आपके हर ड्रेस में आप मैच करके पहन सकते हो। देन मैंने यहाँ एक टैंगल टाइप का इयरिंग खरीदा था, मुझे काफी ब्यूटीफुल लग रहा था ये, 60 रुपीज इसका भी प्राइस। ये बन को ब्लॉक करने के लिए मैंने यहाँ एक ये खरीदा था, फ्लावर से अटैच किया हुआ, काफी प्यारा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने इसको भी लिया है। ये मुझे ओनली 20 रुपीज का मिला था। मैंने यहाँ एक क्लिप लिया था, काफी क्यूट लग रहा था, पर मैंने सब कुछ इस्तेमाल नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आया मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूंगी। एंड मैंने यहाँ छोटे टॉप्स टाइप का इयरिंग लिया था, ये मुझे 20 रुपीज का 3 पीस मिला था, काफी क्यूट लग रहा था, और ये मुझे हर साइज का अवेलेबल था ओनली 20 रुपीज का, मुझे काफी अच्छा लगा। और मुझे मैंने एक और इयरिंग लिया, बॉल टाइप का है, दिस कलर वॉज रियली ब्यूटिफुल, दिस काइंड ऑफ इयरिंग क्यूट ना। एंड देन मैंने यहाँ मोती हार, क्या बोलते हैं इसको समझ में नहीं आता, अपनी मम्मी के लिए लिया। एंड ये ब्रेसलेट मैंने खरीदा नहीं है, इट वॉज गिफ्टेड, पर दिवाली में ही मुझे मिला था, मुझे लगा मैं आपको दिखा सकती हूँ, मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया है, तो थैंक यू है ना फॉर गिविंग मी दिस अ ब्यूटिफुल ब्रेसलेट। मैं आपको दिखाती हूँ पहनने के बाद इसका लुक कुछ ऐसे आएगा, मैंने इसको उतारा ही नहीं अभी तक। इट वॉज मल्टी कलर। और एक ब्रेसलेट मैंने लिया, ये जो हुआ ना मेरा फेवरेट वाला ब्रेसलेट हो गया, आप इसको पहनोगे ना यकीन करो गाइस, इट्स रियली ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत लुक आपको देगा। मैंने यहाँ एक और ब्रेसलेट लिया है, अब जो मैंने यहाँ लिया है वो कुछ चूड़ी कह लो आप, लाइक दिस काइंड ऑफ अ चूड़ी, ये मेरे ड्रेस के साथ मैंने मैचिंग करके ली थी, मुझे काफी प्यारी लगी थी, आप इस टाइप की चूड़ी पहन सकते हो। एंड मैंने यहाँ एक सिंगल पीस का चूड़ी लिया, ये मुझे काफी प्यारा लगा, सिंपल डेली के लिए हम लोगों को एक हाथ में पहनना चाहिए, जैसे कि हम मुस्लिम फैमिली है तो हमारे मजहब, मतलब हमारे जो रिलीजन में कहा जाता है कि लड़कियों को दाहिने हाथ पे कुछ भी रखना चाहिए, नहीं तो उनके हाथों का खाना हराम होता है, अकॉर्डिंग टू हमारे रिलीजन ये माना जाता है। तो मैंने बस इसलिए इसको लिया है पहनने के लिए, और उसे मुझे काफी क्यूट भी लगता है इसलिए लिया। तो आपको मेरा ये ज्वेलरी हॉल पसंद, तो आपको अगर मेरा ये ज्वेलरी हॉल पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और आप इसी तरह का वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ प्लीज़ इन्फॉर्म मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगेन, आल्सो लाइक द लाइक माय वीडियोस, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और एक्चुअली और क्या बोलना चाहती हूँ, मैं भूल गई ना, इतने दिन बाद बता रही हूँ, और आप लोग कैसे हैं। तो प्लीज़ 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 गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि मैं और भी इस तरह का वीडियो बनाते रहूँ। टिल देन मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।